नमस्ते दोस्तों, अभी हम रोसड़ा अनुमंडल के केलुआ घाट चौक पर हैं और पूरे अनुमंडल क्षेत्र में जिस तरह से टेम्पू वाले से ई रिक्शे वाले से स्टैंड के नाम पर अवैध उगाही की जा रही है, बरसों से ये चली आ रही है और बार बार कई बार टेम्पू वाले ई रिक्शा वाले प्रोटेस्ट भी किए हैं, लेकिन उन लोगों को इससे निजात नहीं मिली। लेकिन नए DSP साहब शिवम कुमार जी अभी केलुआ घाट मुख्य पथ से सिंगिया की तरफ जा रहे थे, इनकी नज़र पड़ी कि यहाँ पे टेम्पू वाले से अवैध वसूली की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी को रोक करके पेपर की मांग की और यहाँ पर तो एक्शन मोड में DSP साहब, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ जा रही थी सबसे रंगबाजी मांगा जा रहा था, अवैध वसूली किया जा रहा था, जिसको देखने के बाद तुरंत DSP साहब ने अपनी गाड़ी को रोका और यहाँ पर उनको हिरासत में लेकर के अभी पूछताछ कर रहे हैं और जिस स्टैंड की बात की जा रही है उसका पेपर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं यह फर्जी प्रतीत हो रहा है क्योंकि अभी तक कोई जेनुइन कागज़ नहीं दिखाया गया। जो एक पेपर दिखाया गया है उसमें जो डेट लिखा हुआ है वो पूरी तरह से एक्सपायर्ड है और पूर्व का डेट है। यहाँ पर स्टैंड वालों से 10 रुपया, 20 रुपया और 50 रुपया तक लिया जाता है। कहा ये जा रहा है कि बस स्टैंड का लाइसेंस लिया जा रहा है। अभी DSP साहब इसी की तहकीकात कर रहे हैं। कुछ टेम्पू वाले भी आकर के DSP साहब से शिकायत किए हैं कि सर पूरे अनुमंडल क्षेत्र में इस तरह से सड़क किनारे टेंट लगाकर लाठी लेकर के स्टैंड के नाम पे पैसा वसूला जाता। DSP साहब ने कहा है कि कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी एक इनके नज़र के सामने में आया है, ये कार्रवाई में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि पूरे अनुमंडल क्षेत्र में जिस तरह से रंगबाजी टैक्स की वसूली हो रही, आने वाले समय में DSP साहब सभी पर इसी तरह से कठोरता से कार्रवाई करेंगे। Get down, 'cause I'm here to flow.